दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में कि आखिर यह क्या है? क्या आपने कभी लाइगर के बारे में सुना है जो टाइगर और लायन की तरह दिखते हैं? तो दोस्त, अगर आप नहीं जानते कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब दो अलग जानवरों की ब्रीडिंग एक दूसरे से कराई जाती है, तब इन जानवरों का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब लायन और टाइगर ने एक दूसरे से संबंध बनाए थे, तब लाइगर का जन्म हुआ था। इसी तरह के पांच जानवरों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें क्रॉस ब्रीडिंग और साइंटिफिक मेथड से तैयार किया गया है। बबल आई गोल्डफिश। गोल्डफिश आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आज आप इस वीडियो में पहली बार किसी बबल आई गोल्डफिश को देखेंगे। सन 1900 में मछली पालने वाले लोगों ने इस मछली को कैलेस्टियल गोल्ड आई फिश के साथ ब्रीडिंग से बनाया था। इनकी आंखों के नीचे यह थैलियां फ्लूइड से भरी होती हैं। इन बबल की वजह से यह गोल्डफिश तेज तैर नहीं पाती और इनके यह बबल बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए किसी भी नुकीली चीज से टकराने के बाद यह फूट जाते हैं, जिनसे इन मछलियों को इन्फेक्शन हो जाता है और इनकी मौत हो जाती है। यूक्रेनियन लैबकॉय कैट। यह बिल्ली देखने में किसी डरावने एलियन जीव की तरह दिखाई देती है, लेकिन यह बिल्ली कोई एलियन नहीं है। इस बिल्ली को साल 2000 में एलेना पेटरोवा ने स्कॉटिश फोल्ड और डॉन्सकॉय की क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया था। इस बिल्ली के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह सिर्फ यूक्रेन और रूस में ही पाई जाती है। बुदापेस्ट पिजन। इस कबूतर का इस्तेमाल रेसिंग और खाने के लिए किया जाता है। इन कबूतर को बनाने का मकसद रेसिंग और खाने के लिए ऐसे कबूतर को तैयार करना था जो बहुत तेज और स्वादिष्ट हो, जिस वजह से बुदापेस्ट कबूतर का जन्म हुआ। इस कबूतर को दो भाइयों ने 20वीं शताब्दी में बनाया था, ताकि वह कबूतर की रेस जीत सके। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यह कबूतर लगातार 5 घंटे तक उड़ भी सकते हैं। स्किनी पिग। दोस्तों, आपने गिनिया पिग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्किनी पिग के बारे में सुना है? यह स्किनी पिग देखने में बड़े ही अजीब लगते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते। और इस जानवर को साल 1978 में एक लैब में जेनेटिक म्यूटेशन से तैयार किया गया था, जिससे इस स्किनी पिग का जन्म हुआ है। गाइबर इटालिकस कैनरी। कैनरी नाम की यह चिड़िया अपनी आवाज की वजह से काफी मशहूर है, जो काफी खूबसूरत भी होती है। लेकिन गीबर इटालिकस कैनरी को देखकर इन्हें खूबसूरत कह पाना काफी मुश्किल है। क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया यह पक्षी बहुत ही कम जीता है और अंडे भी बहुत कम देता है, इसीलिए इनकी तादाद भी बहुत कम है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।